आपकी जुड़ी को मेरे गले बांध दी। जो शौक चल रहा था ना गोपू स्वीट गोपू बनने का। चीजू माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, आपके पैर पकड़ता हूँ प्लीज, मुझे छुड़ाओ इस पला से। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। हाँ क्या बोला? नहीं 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 मत कर, अभी डिलीवरी हो जाने दे, सबकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आएगा वैसा जब डॉक्टर बाहर आके मोना की ऐसी झाड़ लेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी, क्योंकि बच्चा तो है ही नहीं। और टीटू तो पहले ही पेड़ में चूहा पड़ जाएगी। फिर जब जूली बिल्कुल ओके बाहर आएगी ना, जब देखना कैसे थोबड़ा पीला पड़ता है सारी स्टैंड फ्रेंड का, क्योंकि ये तो ड्रामा था ड्रामा। मुबारक हो, लक्ष्मी हुई है। लक्ष्मी को जानती तक नहीं, इनफैक्ट मैं ये टीटू को भी नहीं जानती, गोपू ने मुझे यहाँ भेजा था। गोपू? गोपू मैं नहीं हूँ गोपू, वो है गोपाल जी। क्या? हाँ मैं गोपाल जी हूँ, और ये है मेरी प्यारी प्यारी धर्मपत्नी रुक्मिणी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं इस बच्ची को नहीं जानती, इनफैक्ट गोपू के कहने पे मैंने ये सब ड्रामा किया था माँ बनने का। माँ बनना तो औरत के लिए सम्मान की बात होती है, तुमने उसी का मजाक उड़ाया एक औरत होकर। और आप दोनों जरा लड़की देखी नहीं वहाँ पर फिसल गए। देखा ही फिसला फिसली का मामला, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आया कि ये बच्चा आया कहाँ से। बहन जी आपका बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। शुक्रिया। थैंक यू मोना, अगर तुमने सही वक्त पर मुझे सब कुछ ना बताया होता तो पता नहीं मैं क्या सोच बैठती। रुक्मिणी तो ये सब तुमने क्या? ये मर्द लोग हैं ना, ये लोग हर बात को मजाक समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उस वक्त औरत पर क्या गुजरती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रुक्मिणी। मोना मुझे माफ कर दो, एक अच्छा पेन फ्रेंड होने के नाते मुझे तुम्हें खत में सब कुछ सच सच लिखना चाहिए था, लेकिन सच्चाई छुपा कर मैंने तुम्हारे दिल को जो ठेस पहुंचाई है उससे मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। रुक्मिणी तुम्हारा विश्वास भी मैंने तोड़ा है, हो सके तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस तरह की गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ये देखो मैं कान भी पकड़ रहा हूँ। माफ किया माफ किया तो मोना इसी बात पर मुझे भी एक पक्की दो ना। मोना!